दोस्तों, आज मैं आलू की झटपट रेसिपी बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने 4 मीडियम साइज के आलू को इस तरीके से काटा है और कुकर में पानी रखा है। 1 गिलास पानी डाला है, पानी इतना डाले कि आलू डूब जाए। फिर ये मैंने 2 छोटे प्याज लिए हैं, 3 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा कटा हुआ लिया है, इसे भी आप डालें। और इसमें स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, 1 छोटी चम्मच तेल डालकर इसे मिला दें और ढक्कन लगाकर 2-3 सीटी लगाएं। बस अब इसे 3-4 सीटी आने दें हाई फ्लेम पे। सब्जी हमारी पक चुकी है, अब इसे हल्का सा मैश कर लेंगे। मैश करके गैस ऑन करके खुले में 2 मिनट और इसको उबालें और उसके बाद हमारी सब्जी रेडी हो जाएगी। ये बनने में जितनी आसान है, खाने में उतनी ही टेस्टी है। आप एक बार जरूर बना के देखिए, इसका टेस्ट तभी आएगा जब इसे उबालेंगे 2 मिनट खुले में। इसे आप पूड़ी पराठे के साथ खाइए, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अब ये 2 मिनट बॉईल हो चुका है, अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। ये पक चुकी है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। इसमें बस आप सरसों का तेल ही डालिएगा और जितना आलू छोटा काटेंगे उतना ये टेस्टी बनेगा।